और सुधीर मुरंगचीवार फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र भी लगातार बने हुए। सर ये बताइए कि मुंबई के लिए एक समस्या जो है ऑक्ट्रॉय की आएगी, क्योंकि जीएसटी आएगा तो ये हटेगा, जिससे करीब 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, तो इसकी भरपाई बीएमसी को करनी पड़ेगी। राज्य सरकार इसे किस तरीके से मैनेज करेगी? इसमें मोटे रूप में क्रूड ऑयल से 3,500-4,000 करोड़ आते हैं, तो हमने तो ये कहा है कि मुंबई के ऑक्ट्रॉय के बारे में उद्धव जी से जेटली साहब की बात हुई है और ये पैसा डायरेक्ट रूप से अगर मुंबई में हम पहुंचा सकते हैं केंद्र के माध्यम से, तो उनकी बात सही है कि कल सरकार अगर बदलेगी तो मुंबई एक आर्थिक नगरी है। इस देश के कई लोग मुंबई में रोजाना आते हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका बड़ा तनाव होता है, तो मुंबई को पैसों की कमी ना हो ये दृष्टिकोण से। अभी तो ऑक्ट्रॉय की वजह से उनके पास पैसा काम के लिए आता था, और आने वाले दिनों में अगर हम सही समय पे पैसा नहीं दे पाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है, और इसमें एक व्यवस्था निर्माण की जाएगी, मेरा विश्वास है। जी आप बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण जी, यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो क्लोजिंग स्टॉक को लेकर भी एक कंसर्न है, जो व्यापारी वर्ग लगातार इसके लिए बोलता आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगी? देखिए, न केवल क्लोजिंग स्टॉक, जहाँ तक क्लोजिंग स्टॉक का ताल्लुक है तो ये एक बड़ा सवाल है कि 31 मार्च को, यदि 1 अप्रैल 2017 को लगता है तो 31 मार्च को जो मेरे पास स्टॉक होगा, जो हमारे व्यापारियों के पास स्टॉक होगा, उस पर हमने वैट भी पे किया हुआ है, सर्विस टैक्स भी पे किया है, उस पर हमने एक्साइज भी पे की है, और यदि 1 अप्रैल को मैं उस मटेरियल को बेचता हूँ तो जो मैंने टैक्स दिया हुआ है, क्या उसका इनपुट क्रेडिट मुझे मिलेगा? अगर मुझे इनपुट क्रेडिट नहीं मिला तो 1 अप्रैल को जो व्यक्ति बाजार से सामान खरीदेगा वो मुझसे सस्ता हो जाएगा और मेरा स्टॉक हमेशा की तरीके से महंगा पड़ा रहेगा। ना केवल स्टॉक की बात, अभी तो बहुत से अनेक ऐसे आइटम हैं कि वो किस ब्रैकेट में जाएंगे, सोना चांदी है वो किस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, खाने पीने की वस्तुएं हैं वो किस ब्रैकेट में जाएंगी, और आज बहुत से आइटम ऐसे हैं जो 5% में हैं, कल वो 18% में जाएंगे, तो क्या उनकी कहीं लागत तो महंगी तो नहीं हो जाएगी? इसके अलावा इनपुट क्रेडिट, अब इसमें एक प्रावधान है मॉडल बिल के अंदर कि मैंने यदि आपसे माल खरीदा और यदि आपने अपनी रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कराई तो मुझे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो दूसरे की गलती पर मैं दंडित होऊंगा। ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिस पर चर्चा की जरूरत है, और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री हमारे साथ बैठ करके इन बातों की चर्चा अवश्य करेंगे। प्रवीण जी, छोटे कारोबारियों की बात की जाए तो उनका तरीका खुद ब खुद बदल जाएगा या उन्हें बदलना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक छोटे देश में लगभग 6 करोड़ छोटे व्यापारी हैं जो लगभग 45% GDP में कंट्रीब्यूशन देते हैं और 30 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का सालाना व्यापार करते हैं, उनको नए सिस्टम में लाने के लिए सरकार को एक पहल करनी होगी। मैंने स्वयं केंद्रीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि सरकार एक ऐसा कार्यक्रम बनाए जो हम सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है, और आज दो बड़ी बातें जो उन्होंने कही हैं, पहला उन्होंने ये कहा कि रिटर्न सिंगल होगी और ड्यूअल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात आज वित्त मंत्री जी ने कही है। अगर इसके साथ मिलकर के केंद्र सरकार राज्य सरकारें तुरंत अपने अपने स्तर पर कंसल्टेटिव कमेटी बनाएं, व्यापारियों को उसमें रखें, तो हम सरकारों के साथ मिलकर के व्यापारियों को नए परिवेश में ले चलने के लिए तैयार हैं, उनके साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन पहल सरकारों को करनी होगी। सुधीर जी बैठे, और अगर उसकी शुरुआत सुधीर जी कर दें, अपने यहाँ महाराष्ट्र के अंदर बनाएं वो कंसल्टेटिव कमेटी, हमारे व्यापारियों को रखें, हम उनके जो रेवेन्यू की उनको शिकायत है बीएमसी की, उस रेवेन्यू को हम मिलकर के पूरा करेंगे और उनको उससे कहीं तकलीफ नहीं होगी। जी चलिए, एचपी कुमार भी हमारे साथ बने हुए। एचपी कुमार जी, आपने प्रवीण खंडेलवाल जी की बात सुनी कि व्यापारी वर्ग तो है तैयार है पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए, लेकिन अभी भी सरकार से कुछ एक उम्मीदें यहाँ पर लगाई हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, व्यापारी वर्ग को शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, खासतौर से लघु और मझले उद्योगों को, क्योंकि ये पूरे आईटी सिस्टम के साथ वो अलाइन नहीं है और उनके इस समय के जो सिस्टम्स हैं उनको उन्हें परिवर्तन करना होगा, उसमें खर्चा भी होगा और थोड़ा टाइम लगेगा उनको उस नए सिस्टम के अनुसार अपने को एडजस्ट करने में, तो शुरू में थोड़ा टाइम देना चाहिए लघु और मझले उद्योगों को। मेरा ये मानना है कि वो थोड़े समय के बाद अपने आप उसके अंदर पूरी तरह से निहित हो जाएंगे और उससे उसका जो GST का लाभ है वो उन्हें मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अभी उनके जो टैक्स रेट्स हैं वो कई तरह के टैक्स रेट्स हैं और उसमें
थोड़ा सा भी अगर कमी उन्हें मिलेगी तो वो एक कॉम्पिटिशन फेस कर पाएंगे देश में भी और विदेशों में भी। तो ये एक टैक्स रेट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि एक टैक्स रेट उनकी सहूलियत के अनुसार एक इस लेवल का रखा जाए कि वो बड़े उद्योगों के साथ, बड़े व्यापारियों के साथ, बड़े इंटरनेशनल कंपनीज के साथ वो कॉम्पीट कर सकें। तो लघु और मझले उद्योगों को उम्मीदें बहुत हैं और उन्हें उत्साह भी बहुत है, परंतु ये डिपेंड करता है कि आगे का जीएसटी का जो प्रारूप है, जो वास्तविक प्रारूप है, टैक्स रेट्स हैं, उसका जो प्रोसीजर्स है, कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे अभी खंडेलवाल जी ने बताया कि एक ही फॉर्मेट की ज़रूरत होगी, अलग अलग फॉर्मेट करने की फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे निश्चित रूप से लघु उद्योगों को और मझले उद्योगों को फायदा होगा। तो चलिए, लघु और जो मध्यम उद्योग है उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा जीएसटी, एक और खास मेहमान है, उन्हीं से जवाब जानेंगे। राजीव चावला, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव चावला, आप इस पर क्या कहेंगे कि चूंकि जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं और उसमें से एक कंसर्न एक्साइज ड्यूटी पर जो छूट मिल रही है, उनका कहना है कि अब वो खत्म हो जाएगी तो उससे उनको भारी दिक्कतें होंगी। देखिए, वैसे तो मैं स्वयं लघु उद्योग चलाता हूँ और MSME सेक्टर को रिप्रेजेंट भी करता हूँ। मैंने ये देखा है कि जब भी कोई बदलाव आता है, मुझे याद है आज से करीब 3 दशक पहले जब बैंकों में कंप्यूटराइजेशन की बात की गई थी तो सभी बैंक कर्मचारी भी तब हड़ताल पे चले गए थे और उन्होंने विरोध किया था। आज शायद हम किसी भी ऐसे बैंक में खाता नहीं खोलना पसंद करेंगे जो कंप्यूटराइज ना हो। उसी तरह से आज कुछ लघु उद्योगों के मन में शंकाएँ हो सकती हैं। मुझे 2-3 चीज़ें ये कहनी हैं कि पिछले कुछ समय में ज़्यादातर लघु उद्योगों ने और मझले उद्योगों ने अपनी तैयारी कर ली है, क्योंकि बहुत समय से सभी टैक्सेस केवल ऑनलाइन ही जमा हो रहे हैं। आज प्रोविडेंट फंड, ESI, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, TDS, TCS, ये वो टैक्सेस हैं जो मैंडेटरी हैं ऑनलाइन पेमेंट्स इनकी करना, और बहुत समय से सभी लघु उद्यमी इन टैक्सेस की कंप्लायंस कर रहे हैं और रिटर्न्स भी ऑनलाइन ही जा रही हैं क्योंकि मैंडेटरी हो गया है। तो मैंने नोट किया है कि जब भी कोई डेडलाइन होती है, कोई सीमा होती है, तो लघु उद्योग उसकी तैयारी कर लेता है। दूसरी बात, बहुत समय से इस देश में अर्थव्यवस्था इस तरह से थी कि टैक्स की अवॉइडेंस जो है वो बिजनेस का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी जी। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक लघु उद्यमी अपने लिए क्रिएट करता था, एक ऐसा माहौल कि जिसमें टैक्स न लगे, एग्जेम्पशंस मिले, और एक एग्जेम्पशंस का माहौल था। पहली बार जब देश में एक ट्रांसपेरेंट और फेयर और सिंगल टैक्स की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी लघु उद्योगों को भी लानी पड़ेगी। आज जो लघु उद्योग या जो लघु उद्यमी अपने आप को GST से एग्जेम्प्ट रखने की कोशिश करेगा, या मान लीजिए 50 लाख की सीमा है या 10 लाख की सीमा है और हम उससे अपने को कम रखना चाहेंगे, जितना मैं इनपुट पर टैक्स दूंगा वो व्यर्थ जाएगा क्योंकि मैं उसका सेनवैट, उसको रिटर्न नहीं ले सकता हूं। तो मुझे लगता है कि लघु उद्यमियों को भी ये समझना होगा और हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आप को इस रजिस्ट्रेशन में रखें ताकि जितना हम अपने इनपुट पर, सर्विसेज पर, गुड्स पर टैक्स पे करते हैं वो वापस आ सके, तभी एक लघु उद्यमी इसका फ़ायदा उठा सकेगा। बदलाव की तैयारी के लिए हमें करना है, अभी कुछ वक्त है बिल्स को आने में, प्रारूप होने में और इम्प्लीमेंटेशन में। मुझे लगता है तब तक बेहतरीन तैयारी है। खंडेलवाल साहब, हम, डॉक्टर कुमार, हम लोग लघु उद्योगों को उनके एसोसिएशंस के माध्यम से राज्य स्तर पर, क्लस्टर स्तर पर तैयार कर सकते हैं और ताकि सभी इस GST का फायदा उठा सके। जी चलिए, तो व्यापारी वर्ग पूरे तरीके से तैयार है, लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों, तो सभी यहाँ पर जो व्यापारी हैं, छोटे ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स, अब आगे GST से होने वाले फायदों के लिए तैयार है। कुछ कंसर्न्स भी हैं जिन पर चर्चा लगातार जारी है, अपनी प्रतिक्रियाएं सभी मेहमान दे रहे हैं।